बॉस, कितने दिनों से आपने मुझे कोई गिफ्ट ही नहीं दिया और ना ही मैंने शॉपिंग की है। मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे। कितने चाहिए? बस सिर्फ 15,000। और कुछ मांगती तो वो भी दे देता। अभी कुछ दिनों में एक पेमेंट आने वाला है, आते ही ले लेना। पर उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? अरे हरीश जी, आइए आइए बैठिए। मैं यहाँ सिर्फ ये जानने आया हूँ कि मेरे पैसों के साथ क्या हो रहा है। मैंने पैसा तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और तुम्हारा बिजनेस पूरी तरह से डूब चुका है और तुम यहाँ अय्याशी कर रहे हो। हरीश जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब बिजनेस में मुनाफा और नुकसान तो होता ही रहता है, आप तो जानते हैं। मुनाफा नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान चल रहा है। सारे डॉक्यूमेंट्स देखे मैंने। तुम एक काम करो आनंद, मुझे मेरा पैसा वापस कर दो। अरे हरीश जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी बात सुनिए। मैं क्यों सुनूं? मैं कुछ नहीं जानता। या तो बिजनेस को पहले की तरह सक्सेसफुल बनाओ या मेरा पैसा वापस करो। देखो आनंद, तुम खुद नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। पैसा वापस करो मेरा। अरे हरीश जी, बात तो सुनिए आप। पूनम, आपने मुझे बुलाया बॉस? हाँ, तो कहाँ थे हम? कहाँ थे? पापा, खाना हो गया आपका? बेटा क्या हुआ? सोसाइटी की कमेटी वालों का नोटिस आया था, हमने 6 महीने से मेंटेनेंस नहीं भरे। उन्होंने कहा है जल्दी पेमेंट करने को। ये सोसाइटी वाले भी ना फालतू की टेंशन देते रहते हैं, बस नाटक करते रहते हैं। ठीक है, मैं भर दूंगा। बेटा तुम्हारा काम ठीक चल रहा है ना, फिर पैसे क्यों नहीं दिए? तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। हाँ पापा, सब ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं देख लूंगा। फोटो में इतनी सुंदर है, पता नहीं कुछ सामने कैसी होगी। इसे तो पटाना ही पड़ेगा।
आ गए आप? क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा थक गया हूँ। आप इतना काम करते हैं फिर भी घर की तकलीफें दूर नहीं हो रही है, ऐसा कब तक चलेगा? अब तुम सिखाओगी मुझे कैसा कब तक चलेगा, कब तक नहीं? क्या कमी है तुम्हें? सब तो देता हूँ, जितना मिल रहा है ना उसमें खुश रहो। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ, मुझे ऑफिस का बहुत पेंडिंग काम करना है। आप इतना भड़कते क्यों हो? थोड़ा शांत हो जाइए। लाओ मैं आपका सर दबाती हूँ, गरम दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा। जाओ तुम अपना काम करो। एक तो आप ऑफिस से लेट आते हो और फिर आकर घर पर फिर से ऑफिस का काम करते हो। मैं तो आपके लिए कुछ हो ही नहीं। सर मेरी तरफ देखिए ना। लिपस्टिक का निशान? ये लिपस्टिक का निशान कहाँ से आया? अरे लिपस्टिक का निशान कहाँ से आएगा, कुछ और होगा। वैसे ही ऑफिस की इतनी टेंशन रहती है, तुम और टेंशन देती रहती हो। जो सच है वही बोल रही हूँ मैं। मुझे बताओ ये लिपस्टिक का निशान आपके चेस्ट पर कहाँ से आया, किसके होठों के निशान ही है? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अच्छा अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, देर से आओगे तुम, गलतियां करोगे तुम और गलत मैं हूँ। आज तो मैं जान के रहूंगी, बताओ मुझे कौन है वो, कौन है मेरी सौतन? हरदम लड़ना, हरदम लड़ना, जीना मुश्किल कर रखा है तुमने मेरा। ऑफिस का काम करूं या तुम्हारी सुनूं? कहीं को शर्ट का बटन टूट जाएगा तो कहोगी किसने तोड़ दिया है। हाँ वर्मा जी, मेरे बिजनेस के कुछ पेमेंट्स नहीं आ रहे हैं, पिताजी हॉस्पिटल में, मुझे कुछ लोन चाहिए थे। हाँ प्लीज प्लीज कोशिश कीजिएगा, थैंक यू। सुनिए अब मैंने नाश्ता लगा दिया, आप नाश्ता करके जाइए। जल्दी मैं हूँ, पहले ही लेट हो गया हूँ ऑफिस के लिए। अरे कुछ तो खा के जाइए आप। सुनिए तो, जगदीश मेरे दोस्त मेरे यार, तुझसे एक हेल्प चाहिए थी यार। देख मेरी साली को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो उन्हें एयरपोर्ट लेना जाना पड़ेगा और उनके सामने थोड़ा सा इम्प्रेशन जमाना पड़ेगा। हाँ तो देख तुझसे ये काम था, 4:30 के आसपास ना मुझे एक कॉल कर लेना, तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी बातें कर लूँगा तो उनको लगेगा कि कोई बड़ा आदमी है। अरे क्या करूँ यार, करना पड़ता है, समझना शादी का सवाल है। ओके थैंक यू, या बाय।
आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई. बाय द वे, काम नहीं. विशाल, कोई बात नहीं, प्लीज सिट. से भला हो इस दोस्ती ऐप का जिसमें मुझे आप दिख गई और आज हम यहां मिल रहे हैं. वैसे भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, काफी पैसे कमा लिए हैं, बस पर्सनल लाइफ में कोई अपना कहने वाला नहीं, उसी को ऐप में ढूंढ रहा हूं. और आप इस ऐप में क्या ढूंढ रही हैं? आपने तो मेरी मन की बात छीन ली. इस सेल्फिश दुनिया में मैं भी एक दोस्त ढूंढ रही हूँ. वैसे तो मैं पेशे से इन्वेस्टर हूँ, इन्वेस्ट करती हूँ, और एक अच्छे दोस्त के साथ जीवन साथी भी ढूंढ रही हूँ. एक्सक्यूज मी. हाँ गुप्ता जी, क्या कहा? अर्जेंट रुपयों की जरूरत पड़ गई. कितने? 50 लाख. मेरे मैनेजर को तो आप जानते हैं. हाँ, मैं उसको मैसेज कर देता हूँ, आपको ट्रांसफर कर देगा. हाँ, अरे नहीं नहीं, 2 दिन में वापस लौटाने की क्या ज़रूरत है? जब आपके पास हो तब कर दीजिएगा. और बताइए भाभी जी कैसी हैं? उनको नमस्ते कहना मेरा. ठीक है. काफ़ी हेल्पिंग नेचर है आपका. जिंदगी में दोस्त ही कमाया है, और आखिर में दोस्त ही तो दोस्त के काम आते हैं. काफी लेट हो चुका है, अब मुझे चलना चाहिए. हाँ हाँ हरीश भाई. आनंद, अरे मेरे पैसों का कोई इंतजाम होगा कि नहीं होगा यार? हाँ हाँ, बस आप ऑफिस आ जाइए, आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ, वहीं बात करते हैं. ठीक है तो अपनी अपनी कारों तक हम साथ में चलते हैं. इसी बहाने मुझे आपका और साथ मिल जाएगा. चलिए, मुझे भी आपका साथ मिल जाएगा, चलते हैं. अभी थोड़ी देर में हरीश आने वाला है. जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना, समझ गई ना? अरे हरीश जी, मैं बस एक अर्जेंट फोन आया था, 10 मिनट में वापस आता हूँ, फिर आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है? अरे हाँ पूनम, जब तक हरीश जी को चाय वगैरह पिलाओ कुछ, हाँ, और इनका ध्यान रखना, मैं आता हूँ. यस बॉस. मिस्टर हरीश जी, चाय या कॉफी? कुछ नहीं. अरे ऐसे कैसे? बॉस ने कहा है कि आपका अच्छी तरह से ध्यान रखो. शर्म नहीं आती तुम्हें? या काम हो रहा है या फिर कुछ और ही बिजनेस चल रहा है? आज के बाद अगर ये फालतू हरकत की ना तो सीधा जेल भिजवा दूंगा. बोल देना आनंद को मुझे कॉल करे. सुबह से घंटी पे घंटी बजे लेनदारों की. क्या हुआ, कौन आया था? आज वो बैंक वाले आए थे कार लेने. तुमने फिर किस्त नहीं भरे ना? उन्हें अपने पैसे चाहिए थे. अच्छा हुआ तुम कार लेकर बाहर गए थे. उन्होंने बोला फिर आएंगे,
ठीक है, मैं देख लूंगा। बेटा ये तुम्हारा सिस्टम हमारे समझ में नहीं आ रहा है। जिंदगी तो टेंशन का दूसरा नाम हो गया है। आपने कौन सा तीर मार लिया था? आपने कौन से करोड़ों कमा लिए थे? आपके समय में भी तकलीफ थी ना? हमारे समय में तकलीफ थी मगर कर्जदार नहीं थे। लोग इस तरह पैसे मांगने नहीं आते थे। आप चुप रहिए, मैं सब देख लूंगा। बहुत पैसे आने वाले हैं। क्या तुम पूरा दिन व्हाट्सएप और फेसबुक में लगी रहती हो? और कोई काम नहीं है क्या? घर की हालत देखो, कितना बिखरा हुआ पड़ा है सब। और हमारी लाइफ वो तो बहुत अच्छी है ना अंजु? अंजु तुम जानती हो ऑफिस की वजह से कितना दिमाग खराब रहता है, और तुम घर में हो मुझे और परेशान कर देती हो। सुबह से ही सर में दर्द है। चाय कप पतरे पड़ी चाय बना के लेके आओ। ठीक है। इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए कामनी को पटाना होगा। इतनी अमीर लड़की है, एक बार मेरे झांसे में आई तो अपने सारे कर्ज उतार सकता हूं। पर उसके पहले मुझे कामनी को इंप्रेस करना होगा। देखिए मना मत कीजिएगा, मुझे ये डायमंड की रिंग आपके लिए पसंद आ गई। मैं इसे आपको पहनाना चाहता हूं। Quite impressed. आपकी अदा मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मुझे चलना चाहिए, मेरी एक मीटिंग है। नेकलेस कहीं देखा? मुझे मिल नहीं रहा है वो घर में। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं पूरा दिन घर पे रहता हूँ जो तुम्हारा नेकलेस देखूंगा? और शादी के बाद कितनी बार तुमको गहने खरीद के दिए? तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारा नेकलेस लूंगा? मैंने ये नहीं बोला कि आपने मेरा नेकलेस लिया है, मैंने बस पूछा कि आपने कहीं देखा क्या। मैंने पूरा घर देख लिया, हर एक चीज देख ली है, कहीं नहीं मिल रहा है। और हमारे घर में कोई आता जाता भी तो नहीं है, ना ही कोई नौकर है, तो कहाँ जाएंगे गहने? अरे कमरे में यहीं कहीं पड़े होंगे, मिल जाएंगे। क्यों फालतू की टेंशन ले रही हो तुम? नहीं, मुझे लगता है मैं पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने कहा ना मिल जाएंगे, पुलिस पुलिस में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं मिले ना तो मैं तुम्हें नए खरीद के दे दूंगा। अब जाओ जाके खाना लगाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। इस आदमी को ना मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। यहाँ मुझे मेरे गहने नहीं मिल रहे और इनको खाना खाने की पड़ी है। अरे हरीश भाई, अरे क्या कर रहे हो आप? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक हफ्ता हो चुका है और तुम रोज फोन पे बोलते हो मुझे कल पैसा दूंगा, कल पैसा दूंगा। मैं
देखो तुम्हारा कल आज तक नहीं आया यार। देखो आनंद, बहुत प्यार से बोल रहा हूँ मैं, मेरे पैसे वापस कर दो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए और अब तुम्हारे परिवार के लिए भी। अरे हरीश भाई, आप मेरी बात तो सुनिए, एक बहुत ही सॉलिड पार्टी मिली है जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। उनसे हमें बहुत बड़ा अमाउंट मिल सकता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। उसमें से एक हिस्सा आप रख लेना, बाकी से मैं इस बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। आपको अभी तक अफसोस होता होगा ना इस बिजनेस में इन्वेस्ट करके, लेकिन आगे आपको जो प्रॉफिट होने वाला है आप सोच भी नहीं सकते। कौन सी पार्टी है? अरे हरीश भाई, एक लड़की है। नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, प्योरली बिजनेस की बात है। बस आपको मेरी तरह उसके सामने बड़ी बड़ी बातें करनी होगी और कुछ नहीं। आपसे वादा करता हूँ सारे के सारे लॉसेस सब पूरे कर दूंगा। प्लीज प्लीज कोऑपरेट विद मी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमें मिले हुए सिर्फ एक हफ्ते हुआ है और कहां तुम मेरे इतने करीब आ गए। मुझे भी ये किसी सपने से कम नहीं लग रहा है। मेरे पैसे कब लौटा रहा है? 2 महीने हो गए, अभी तक तूने मेरे पैसे नहीं लौटा है। अगले हफ्ते अगर नहीं मिले ना तो तेरे घर पे घुस के ही लूंगा। जी ब्रजेश भाई, हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। कौन था, क्या हुआ? अच्छा कामनी, तुमने कहा था कोई बड़ी कंपनी हो तो तुम इन्वेस्ट करना चाहती हो उसमें। अच्छा कोई है क्या? एक बहुत बड़ा ऑफर आया, अगर हम साथ मिलकर इन्वेस्ट करें तो बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, आई एम इंटरेस्टेड। और अगर मेरे पैसे तुम्हारे काम आ जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे कब से तुम्हारे जैसे ही जीवन साथी की तलाश थी। मैं कल ही तुमको अपने बिजनेस पार्टनर से मिलवाता हूँ, ठीक है? ये हैं हमारे बिजनेस पार्टनर हरीश चौहान और ये हैं मिस कामनी। हेलो। हाय। तो आनंद ने आपको विशाल ने आपको जो प्रोजेक्ट फाइल दिखाई है कैसी लगी? प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, वैसे आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? जी हमारा प्रोजेक्ट 7 करोड़ का है और हमें 5 करोड़ रुपए चाहिए। मैं विशाल के लिए किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कुछ रूल्स हैं। 2% मेरी कंपनी में आपको डालने होंगे रजिस्ट्रेशन फीस, जो 5 करोड़ आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो फिर ठीक है, हमारी फिर डील डन है? नहीं, मुझे 2 दिन का समय दीजिए। ठीक है, मैं चलती हूँ, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। बाय बाय बाय। हेलो। ठीक है ठीक है, मैं अभी आता हूँ। कहा
कहाँ जा रहे हो आप? थोड़ा अर्जेंट है, एक दो घंटे में आ जाऊंगा। बाबूजी आनंद महेश भैया के घर पर भी नहीं है। बहू, आनंद को गए 5 घंटे हो गए। अब मैंने ऑफिस में भी फोन किया था, वो वहां पे भी नहीं है। हम पुलिस स्टेशन चले क्या? नहीं, अभी नहीं। हो सकता है वो कहीं पे ठीक से हो। अब पुलिस को खबर करके हम खामखा पुलिस के चक्कर में हो जाएंगे। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आनंद का फोन उठाइए ना। हेलो, प्रणाम बाबूजी। अपने बेटे की राह देख रहे हो क्या? कौन बोल रहा है? अरे भाई, जिसने आपके बेटे को किडनैप किया है। किडनैप? अगर चाहते हो तुम्हारा बेटा सही सलामत घर पे आ जाए तो जो बोलूं वो करना पड़ेगा। नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। ए बुड्ढे, जल्दी से 20 लाख रुपए का इंतजाम कर। 20 लाख? इतने पैसे मेरे पास नहीं है, मैं कहां से इंतजाम करूंगा? तो झूठ बोलने की कोशिश मत कर, मैं सब पता है, बहुत पैसा है तेरे पास। जो बोला है वो जल्दी करेगा तो तेरा बेटा वापस आएगा, समझा? और अगर पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की ना तो तेरे बच्चे को मार दूंगा मैं। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये झूठा रोना धोना बंद कर, पैसों का इंतजाम कर। आधे घंटे में फिर से फोन करूंगा। मेरे बेटे आनंद को कुछ मत करना, मैं देखता हूं, मैं कुछ इंतजाम करता हूं पैसे का। बाबूजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम कहां से लाएंगे 20 लाख? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है और हम किसी को मांग भी नहीं सकते। बहू, बैंक में मैंने 3 लाख रुपए इमरजेंसी के लिए बचा कर रखे थे। मैं वही पैसे किडनैपर को देकर अपने आनंद को बचाऊंगा। हाँ। ए, ए, तेरा बाप भी कम नहीं है, करोड़पति परिवार से होते हुए भी 20 लाख देने से मना कर रहा है। मुझे नहीं लगता तेरा बाप तेरी जान की कदर करता है। और ये आनंद कौन है बे? कौन है आनंद? आनंद शर्मा, देखिए आप लोगों को ना कोई गलतफहमी हो गई है, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं तो खुद कर्जदार हूँ, कर्जे में डूबा हुआ। झूठ बोल रहा है तू। कामनी, तुम ये सब क्या हो रहा है? और ये कौन है? हाँ विशाल, कामनी, तुम्हारी कामनी। तू जब भी मुझसे मिलता है मुझसे तू बोलता है कि तू बहुत करोड़पति है, और फोन पे तो बहुत करोड़ों वाली बात करता है। तू बहुत झूठ बोलता है ना, तुझे तेरी जान से ज्यादा पैसे प्यारे हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? और तुम इनके साथ क्या कर रही हो कामनी? चुप, बड़बड़ 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 बड़बड़। मैं तुम्हारी सीधी साधी कामनी नहीं हूं, जितना पूछूं उतना बता।
वरना तेरी जान जाएगी। बोल आनंद कौन है? मैं हूँ आनंद शर्मा। तुमको बस इंप्रेस करने के लिए तुमसे झूठ बोला था कि मैं विशाल सिंघानिया हूँ। साला फिर से बकवास शुरू कर दिया। नहीं कामनी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम चाहो तो मेरा पर्स चेक कर लो, उसमें मेरे सारे कार्ड्स रखे हुए हैं, जिनमें मेरे नाम के साथ फोटो भी है। दामोदर, इसका जेब चेक कर। सच बोल रहा है मैडम, यही आनंद शर्मा है। वो सब दिखा हुआ था, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूं, बस तुम्हें इंप्रेस करने के लिए बोल दिया था ताकि तुम मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सको। तूने मुझसे झूठ बोला? साला मुझसे ही नाटक। अरे मैडम छोड़ो, मैडम छोड़ो, मैडम छोड़ दो उसे, छोड़ दो। और ये बताओ करना क्या है? ये बकरा तो हमारे से भी ढेर छाना निकला, क्या करे हो? सोचा था मोटा मुर्गा फंसा है, ये तो हम लोग से भी ज्यादा कंगाल निकला। तूने मुझसे 420 की ना, तेरा ये झूठ तुझ पे बहुत भारी पड़ेगा। तू चाहे अमीर हो या गरीब, पैसे तो मैं निकलवा के ही रहूंगी तुझसे। बहू, कहीं से इंतजाम नहीं हो पा रहा है। मेरे बैंक में 3 लाख रुपए पड़े, वही हम उन्हें दे देंगे, और उनका फोन आएगा तो हम बता देंगे कि मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। हाँ बाबूजी, मैंने भी ट्राई किया, जिस जिसको फोन किया आनंद ने पहले से उनसे पैसे उधार ले रखे हैं। अरे तू इतना क्यों सोचती है रे? बोला है ना उसके बाप को करेगा 10 लाख का इंतजाम। अरे कुछ नहीं मिलने वाला, इसके पीछे बस अपना समय बर्बाद किया मैंने, इसका अंजाम तो इसे भुगतना ही पड़ेगा। चल आधा घंटा हो गया, मैं उसके बाप से बात करता हूँ, पहले हमारे हाथ में पैसे आने दे, उसके बाद देखेंगे उसको मीने को, समझी? हेलो बुड्ढे, इंतजाम हुआ 20 लाख का? बेटा मेरे पास सिर्फ 3 लाख रुपए हैं, ये मेरे जीवन भर की कमाई है। सिर्फ 3 लाख रुपए? अबे सब्जी मंडी में आएगा सब्जी खरीदने? इस उम्र में इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, और किसी को बता भी तो नहीं सकता। अगर किसी रिश्तेदार से मांगा तो पूछेंगे कि इतनी रात को पैसे क्यों चाहिए, और बात पुलिस तक पहुंच गई तो? हाँ ठीक है ठीक है, तुम आनंद के अकाउंट में पैसे डाल देना, हम निकाल लेंगे। और सुन, पुलिस के पास जाने की गलती मत करना, क्योंकि तेरी एक गलती तेरे बच्चे की जान तक ले सकती है, समझा? नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना। हेलो हेलो, ऐसा मनुष्य मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तेरे बाप के पास ना जीवन भर की कमाई सिर्फ 3 लाख रुपए है, कंगाल कहीं का, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे।
तो मर गया। कामनी को डबल क्रॉस करने का अंजाम यही होता है। हम पैसा नहीं छोड़ेंगे। 8 बज गया, इसके बाप को कॉल कर। उसी का फोन है। हेलो, पैसे डलवाए अकाउंट में या नहीं? बस बैंक ही जा रहा हूँ। हाँ जल्दी कर। क्या बोल रहे थे वो बाबूजी? पैसे मांग रहे थे। मैं आता हूँ। आधे घंटे में पैसे डलवा देगा वो अकाउंट में। तू एटीएम जा, पैसे निकाल, क्योंकि अब हमें ये शहर छोड़ना होगा। ठीक है। बाबूजी, उनको पैसे मिल गए होंगे ना? मिल गए होंगे, बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरा बेटा सही सलामत घर वापस आ जाए। ये आनंद के डेबिट कार्ड की लिमिट 25,000 रुपये है। 25,000 रुपये तो मैंने निकाल लिए हैं। अब रात के 12 बजे तक हमें वेट करना पड़ेगा, मतलब कि 12 दिन में 3 लाख। साला खुद तो मर गया और हमें भी मार दिया। चलो जो हुआ सो हुआ, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। आनंद अभी घर नहीं पहुंचा और इसका बाप पुलिस लेके यहाँ आ जाएगा और हमें कोई रिस्क नहीं चाहिए। चलो इंस्पेक्टर साहब, मैंने क्या किया? मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं आप? तुमने क्या किया और क्या नहीं किया वो हम सबको पता है। हरीश, हरीश। हाँ सर, यही थी वो लड़की जो कल आनंद को लेकर गई थी। हरीश ने जब आज सुबह आनंद के घर पे कॉल किया तो उसके फादर ने बताया कि वो कल से घर नहीं लौटा है। सर, मैं तो उनकी आवाज सुन के समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। और आनंद के फादर ने हमें इंफॉर्मेशन दी कि आनंद के पास 2 मोबाइल होते थे और एक मोबाइल उसी कार में था जिस कार से यहाँ पे तुम लोग लेकर आए उसे। उस फोन को हमने ट्रेस किया और यहां तक पहुंच पाए हैं। ए, बता, आनंद किधर है? अंकल, आनंद का मर्डर हो गया है। आनंद को क्यों मारा? बोल! मारने का इरादा नहीं था, वो तो मुझसे भी बड़ा कमीना था। दिखावा किया कि वो अमीर है, पर सच्चाई तो किडनैपिंग करने के बाद ही पता चली। पैसे तो हमें चाहिए ही थे, तो हमने सोच लिया कुछ भी हो जाए पैसे लेके शहर छोड़ दो। पर उसमें भी उसकी होशियारी थी, भागने की कोशिश की तो हम दोनों ने उसे मार दिया।